सो हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक और नया लेसन प्लान। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं RCM अप्रोच। ठीक है, आपको पूरी प्लेलिस्ट जो आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक जो है वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि बच्चों की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। ठीक है, तो एक डेमो लेसन प्लान हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको जो है वो एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का हमें बनाना है। ठीक है, क्या क्या मोटिवेशन क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना है, कैसे अपने को जो है वो रिलेट करनी है चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अपन लोग जो है वो इसमें अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपको कर देना है कि आपको एक ही चीज़ करनी है, वो है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी अपने कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, और वीडियो कर देना है लाइक। ठीक है, और अगर आपको चाहिए इसकी PDF, ठीक है, तो PDF मैं तभी दूंगा जब आप सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, फिर मैं आपको जो है वो लिंक जो है वो अटैच कर दूंगा हर एक फाइल का, हर एक वीडियो के नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो उससे पहले आपको कर देना है सब्सक्राइब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन लोग, जो आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अपन लोगों का इनपुट होता है, क्योंकि RCM अप्रोच चल रही है हमारी। ठीक है, इनपुट होता है, प्रोसेस एंड देन आउटपुट होता है। ठीक है, ये आप सबको पता है स्टेप्स। तो RCM अप्रोच की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, अप्रोच क्या होता है, अप्रोच होता है किसी चीज़ के पास पहुँचने का जो तरीका है, स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ अप्रोच, है ना। तो ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, ठीक है, उन्होंने एक अप्रोच दी थी कि हमें कैसे जो है वो कोई भी लेसन जो है उसको पढ़ाना है, क्या क्या स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, तो देखते हैं। सबसे पहले अपन लोगों का रहता है आइडेंटिफिकेशन डेटा, जिसके अंदर अपन लोग जो है वो पूरा का पूरा जो डिटेल है वो उसको लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अपन लोग का पीपल टीचर जो है, शिष्य शिक्षक जो है, उसका क्या नाम रहने वाला है। ठीक है, फिर रोल नंबर क्या रहने वाला है। ठीक है, क्लास क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, और एस्पेक्ट क्या रहने वाला है। ठीक है, और मतलब स्वरूप क्या रहेगा, विषय क्या है, क्लास कक्षा कौन सी है। ठीक है, टॉपिक क्या रहने वाला है, रिस्पायरेशन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ड्यूरेशन अपना 30 से 40 मिनट रहता है, जितना एक जनरल जो लेक्चर होता है। ठीक है, उस क्योंकि आपका जो है वो मैक्रो टीचिंग का है ये, ठीक है सारा, तो डेट जो है वो वही रहेगा यहाँ पे, जिस दिन आप लोग जो है वो डिलीवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको क्या करना होता है, कि जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका लेसन प्लान है, उसके साइड पे आपको छोटा सा एक मिनिएचर जो है वो लगाना है। ठीक है, मिनिएचर आप जो है वो या तो आप गूगल कर लो, ठीक है, गूगल से सर्च कर लो, या फिर जो भी आपने टीचिंग एड तैयार करा है ना, टीचिंग एड जो भी रेडी करा है, उसका जो है वो फोटो लेके आप जो है वो प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं छोटा सा। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा इनपुट। ठीक है, तो इनपुट के अंदर अपन लोग देखते हैं टीचिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्या क्या अपन लोग जो है वो शिक्षण करने वाले हैं, किस किस चीज़ का। तो अपन लोग जो है वो रिस्पायरेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ब्रीदिंग का कंसेप्ट, यानी दोनों के कंसेप्ट की बात करेंगे, मैकेनिज्म ब्रीदिंग का, और कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, उसके बाद अपन लोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं। देखो, जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना, उस वैसे उठा लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं 4-5, वो आपको सारे लिखने। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि बस ये सूटेबल है, वही आप जो है वो अपनी लेसन प्लान जो भी फाइल है उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या होता है, साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो इनकलकेट करना बच्चों के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब रवैया। ठीक है, टेम्पर जो भी उनका व्यवहार है, ठीक है, अमंग द चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें जो है वो साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से सोचना बच्चों के अंदर, ये सारी जो है वो, ताकि बच्चे जो है वो इस तरीके से सोचें। फिर कल्पना करने की जो है शक्ति है, इसका विकास करना, एनालिसिस स्किल जो है वो, ये सारी डेवलप करना बच्चे को अंदर। स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्व करने की कला जो है, ठीक है, अवलोकन करना। ठीक है, जो भी हम चीज़ दिखा रहे हैं बच्चों को, टीचिंग एड दिखा रहे हैं, तो बच्चों को जो है उसको भी ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं टू मेक द स्टूडेंट्स अवेयर विद द नॉलेज ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, तो जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें विज्ञान का क्या जो है, विज्ञान के जो ज्ञान है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में भी बच्चों को जो है वो जागरूक करें। फिर टू अक्वाइंट द स्टूडेंट्स विद द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये तो अपन लोगों रहेगा रहेगा जो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड में अपन लोग वही लिखते हैं, ठीक है, कि जो अपन लोग को अभी पता नहीं है, ठीक है, जो हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या व्यवहार के अंदर उनके परिणाम आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम। इसके अंदर क्या लिखते हैं कि अपन लोग जो है वो इस लेसन को पढ़ाने के बाद बच्चे जो है वो ये करने के योग्य हो जाएंगे। क्या क्या करने के योग्य हो जाएंगे, सबसे पहले तो नॉलेज आएगा, ज्ञान। तो बच्चा पार्टी जो है वो रिकॉल कर पाएगी डेफिनेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। ठीक है, इनका डेफिनेशन जो है उसको रिकॉल कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है एरोबिक एनारोबिक रिस्पायरेशन में, इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कौन से ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग में, ब्रीदिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो, इन चीज़ों को एनालाइज करने में वो जो है वो अपना जो भी ज्ञान उन्होंने अर्जित करा है उसको जो है वो
अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर अपना रहता है टीचिंग एड, ठीक है, बी फोर पॉइंट कि जिसमें अपना क्या आता है कि शिक्षण की जो हमारी सहायक जो सामग्री यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, इसके अंदर देखो जनरल टीचिंग एड रहता है अपना, एक तो रहता है स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल के अंदर क्या रहता है कि जो भी अपन लोग के क्लासरूम के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे अपना ब्लैक बोर्ड हो गया, चाक हो गया, डस्टर हो गया, पॉइंटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो जनरल टीचिंग एड यानी सामान्य जो हमारी शिक्षण के रिलेटेड सहायक सामग्री है वो रहेगी। फिर स्पेसिफिक आ जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक में वही आता है पर्टिकुलर या रेलिवेंट टू द टॉपिक जो अपन लोग जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे आपका टॉपिक है रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन के रिलेटेड आप जो है वो मॉडल बना सकते हैं या फिर चार्ट। ठीक है, तो जो भी आपने बनाया है वो यही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मॉडल नहीं लिख देना, अगर मॉडल नहीं बनाया तो मॉडल मत लिखना यहाँ पे। ठीक है, फिर अपना आ जाएगा सी स्टेप, ठीक है, जिसके अंदर प्रोसेस रहता है अपना। प्रोसेस के अंदर अपन लोग का सबसे पहले तो आता है सी वन, जिसके अंदर अपन लोग जो है वो क्या पूछते हैं, मोटिवेशन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन जो है वो आप क्वेश्चन पूछ के करो बच्चों को। ठीक है, ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो अपन लोग जो है वो क्वेश्चन पूछ के कर सकते हैं या फिर उनको कुछ जो है वो पिक्चर दिखा सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग कर सकते हैं। मोटिवेशन ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन ही पूछोगे तभी मोटिवेशन होगा। ठीक, मोटिवेशन का हमारा मेन, अगर पूछे आपको कोई कि इसका हमारा मोटिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई मोटिवेशन, अभिप्रेरणा क्यों, मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा क्यों पर। तो मोटिवेशन का मतलब ये है कि देखो पहली बात तो ये होता है कि जो भी उनकी प्रीवियस नॉलेज में उसको कनेक्ट करना, अपन लोग जो आज पढ़ाने वाले हैं या फिर उनका जो भी पूर्व ज्ञान है उसको टेस्ट करना कि कितना इनको पता है, इसके बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता है। ठीक है, तो ये तीसरा रहता है कि जो भी बच्चे हैं ना उनके अंदर जो है वो रुचि पैदा करने के लिए कि बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड हो जाएं टॉपिक के लेके। ठीक है, उसके बाद जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या नेसेसिटीज हैं लाइफ की, पीपल टीचर पूछेगा बच्चों को, बच्चे बताएंगे वाटर, एयर, फूड। ठीक है, फिर वो बच्चा टीचर पूछेगा कि आप जो है ना यहाँ पे माइक्रो टीचिंग स्किल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी अपनी होती है जैसे यहाँ पे रीइंफोर्स कर सकते हो आपके गुड बच्चे, देन आप जो है वो नेक्स्ट जा सकते हो। ठीक है, कि हाउ डज़ एयर इंटर आवर बॉडी, कैसे जाता है हमारे जो बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर हवा, तो यहाँ पे बोलेंगे कि नोज़ और माउथ, मुंह और नाक के थ्रू, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा कि हम जो है वो ब्रीथ करते हैं जब, तो क्या इनहेल करते हैं, ठीक है, क्या अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर पूछेगा कि क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीथ करते हैं या रिस्पायर करते हैं सेम तरीके से, तो बच्चा पार्टी बोलेगी कि नहीं, कुछ तो जो है वो स्किन से करते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होती है ना, ब्रीदिंग होती है, कुछ जो है वो गिल्स के करते हैं, कुछ जो है वो नोज से करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा पार्टी बोलेगा नो मैम सर। फिर लास्ट आ जाएगा कि व्हाट इज़ रिस्पायरेशन। ठीक है, तो अब अपन लोग जो है वो टॉपिक पे आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है रिस्पायरेशन का बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे कभी भी अपन लोग जो है वो नो रिस्पॉन्स नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड के अंदर रखनी है कि जो भी अपना लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका आपको अवॉइड करना है कि कभी भी यहाँ पे नो रिस्पॉन्स नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे मे आर मे नॉट रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर अपना आ जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अभी जो पहली बात, तो ये अगर लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो फिर अपन लोग जो है वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर पहले उनको बताएंगे कि बच्चा पार्टी रिस्पायरेशन ये होता है, देन आप जो है वो बच्चों को बोल दोगे कि बच्चा पार्टी आज हम जो है वो अपना चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसके साथ ही जो है वो आप लोग जो है वो टॉपिक का नाम जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दोगे। ठीक है, इससे पहले अपन लोग जो है वो टॉपिक का नाम नहीं लिखते। उसके बाद क्या आता है अपना C4, जिसके अंदर आप बिना प्रेजेंट करोगे। ठीक है, अभी डिलीवर करोगे जो भी अपन लोग जो है वो एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कंटेंट रहता है कि और पीपल टीचर जो हमारा एक शिष्य शिक्षक है, ठीक है, उसकी क्या क्या गतिविधियाँ रहने वाली हैं, स्टूडेंट की क्या क्या गतिविधियाँ हैं, ब्लैक बोर्ड समरी। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होता है, तो पीपल टीचर जो है बच्चों पार्टी को कंसेप्ट बताएगा ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन का। ठीक है, बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनेंगे ब्रीदिंग ये प्रोसेस होता है। ठीक है, कि इनहेल करना, ठीक है, हवा को अंदर लंग्स में उसको इनहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड देन उसको रिलीज करना आउट बाहर, उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद आप सेम तरीके से रिस्पायरेशन के बारे में बता दोगे। ठीक है, रिस्पायरेशन ये होता है कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ की जाती है टू ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स फूड जो भी होता है। ठीक है, और उसमें से एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ होता है। ठीक है, बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेंगे। उसके बाद अपना आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन क्या होती हैं। ठीक है, बच्चे पार्टी को बताएंगे अभी हम, तो अभी आप चार्ट मॉडल जो भी लेके गए हो, ठीक है, तो इसमें आप एरोबिक एनारोबिक बच्चा पार्टी को बोलोगे, बच्चा पार्टी दो टाइप्स की जो है वो रिस्पायरेशन होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनारोबिक। ठीक है, और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट कर लेंगे।
एरोबिक रिस्पिरेशन भी होती है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, एरोबिक ऑर्गेनिज्म या एरोब बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और एनरोबिक के बारे में बताओगे, जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और इनको एनरोब बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन हुई तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो मर भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस के बारे में बताओगे कि ब्रीदिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो ब्रो दो ही मेन स्टेप्स होते हैं, एक तो इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन। ये ब्रीदिंग की बात हो रही है, नॉट रिस्पायरेशन, ठीक है। तो उसके बारे में जो है वो आप फिर से वंस अगेन जो है वो पूरा जो भी आपने एक डायग्राम बनाया होगा, ठीक है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का, वो आप पूरा जो है वो बच्चों को दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा कि बच्चे बाटे को बोलेगे इसमें दो स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन क्या होता है कि बाकी आप लिखने वाला लिख दोगे, जो मैं बताने वाला है ना आपको, जैसे आपको बढ़ाना है वो वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इनहेलेशन मतलब आप जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो हवा लेते हैं जो कि रिच होती है ऑक्सीजन में, उसका प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इनहेलेशन। फिर एक्सहेलेशन होता है कि जिसमें एक्सपेलिंग आउट करना एयर फ्रॉम लंग्स, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है आपको पता है, ठीक है, उसको अपन लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा होता है, पता है आपको, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होती है, देन क्या होती है इंटरनल रिस्पायरेशन होती है, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, पता है ना आपको, लंग्स से जो होती है हमारी ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाती है, ब्लड के अंदर, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा एक मतलब कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, वो अपन इसमें नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हो, अगर आप वो करवाना है तो वो भी करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों को भी पूछ सकते हो आप कि बच्चा पार्टी हम सांस लेते हैं क्या क्या ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप खुद जो है वो बता सकते हो, ठीक है, जो भी आपने एक डायग्राम बनाई होगी, ठीक है, चार्ट के ऊपर या मॉडल जो भी आपने बनाया हुआ है रिस्पायरेशन का या ब्रीदिंग का, वो अपन लोग जो है वो यहाँ पे बच्चा पार्टी से उनको जो है वो बता सकते हो, ठीक है। ये आप सारा का सारा जो है वो बच्चा पार्टी को बता सकते हो कि ये हम जो है वो नोज से लेते हैं, ठीक है, फायरिंग्स हो गया, लायरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया हो गया, सारी चीज़ें जो है वो, फिर हमारा क्या आते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स आते हैं, ठीक है, एल्वोलाई, ये सारा लंग्स के अंदर, ठीक है, अपन लोग ऐसे करके बता सकते हैं। तो ये अपन लोग जो है वो बच्चों को सारे बता देंगे, ठीक है, विंड पाइप, एयर, लंग्स, ये, ठीक है, ये सारा अपन लोग जो है बताएंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट कर लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या रहता है, अपने को सबको पता है कि अब अपन लोग क्लोजर करते हैं, ठीक है, जो भी अपन लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसको भी आपने समराइज़ करना है एक तरीके से, कि उसका आपको जनरलाइज़ कर देना है कि बच्चा पार्टी आज हमने पढ़ा ब्रीदिंग, जो कि एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन लोग जो है वो हवा जो है लंग्स के अंदर लेते हैं उसको बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन होती है जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं एनर्जी, ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प से एंड ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, ठीक है, और रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, दो टाइप की रिस्पायरेशन होती है, एरोबिक एनारोबिक, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस में, जैसे नोज़, माउथ, ये सारा अपन लोग जो है वो बता देंगे। उसके बाद आप बोल दोगे बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद आप आउटपुट रहते हैं, ठीक है, परिणाम क्या रहेगा अपना, तो रियल लर्निंग आउटकम आता है इसमें, सीखे सबसे पहला। इसके अंदर क्या होता है कि अपन लोग जो है देखते हैं कि बच्चे ने जो भी हमने पढ़ाया, ठीक है, अभी बच्चे ने जो वो कितना अर्जित करा, ठीक है, कितना जो है वो अटेन करा, उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ जो है उसको जांचने के लिए अपन लोग जो है वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी अनिवार्य नहीं है कि आप जो है वो रियल लर्निंग आउटकम जो है वो क्वेश्चन पूछ के करो, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग उनको बोल सकते हैं कि बच्चा पार्टी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा अपना क्या रहने वाला है रियल लर्निंग आउटकम के अंदर, जैसे क्वेश्चन है रिस्पायरेशन क्या है, ब्रीदिंग जो है वो डिफरेंट कैसे है रिस्पायरेशन से, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है रिस्पायरेशन की, ठीक है। उसके बाद होम असाइनमेंट जो कि लास्ट कंपोनेंट रहता है हमारा D2, ड्रा वेल लेबल नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो आपको ड्रा करनी है उसको लेबल करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क रहने वाला है हमारा, आप कुछ और भी दे सकते हो अपनी चॉइस का, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट लेसन प्लान, RCM अप्रोच, ठीक है, मैक्रो टीचिंग यानी जो रियल टीचिंग प्रैक्टिस होती है हमारी क्लासरूम के अंदर, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कहीं पे भी आपको अगर परेशानी है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी है कमेंट ज़रूर रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पूरी हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।